हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आज हम कोई रेसिपी लेकर नहीं आए हैं, आज हम आए हैं हमारे ट्रेडिशनल बर्तन में हम किस तरह का खाना सर्व करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने हमारे किचन में नया एडिशन लिया है, जो है तांबे के बर्तन और कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तन। तो यहाँ आज मैंने पीतल के बर्तन मंगाए हैं, और इसे मंगाने का एक मोटिव होता है कि जब पहले के ज़माने में खाना खाया जाता था तो राजसी खाना जो था वो चांदी, सोने और कांसे और पीतल और तांबे के बर्तनों में खाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि इनके अंदर मौजूद जितने भी खनिज तत्व होते हैं हमारी बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, और वो हमें इन्हीं बर्तनों में खाना खाने से मिल जाते थे, जो कि आजकल कांच या स्टील के बर्तनों में खाने से नहीं मिलते हैं, और डिफिशेंसी के कारण हमें उनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो इस तरह के बर्तनों में हम जो है हमारा ट्रेडिशनल फूड सर्व करते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटल्स में, फाइव स्टार होटल्स में रॉयल जब खाने की बात आती है, कुछ लग्जरी और कोई VIPs आते हैं, तब इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन ये बर्तन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इनकी चमक और इनकी जो एक सुंदरता होती है वो सारे बर्तनों से कहीं ज़्यादा होती है। तो आज मैंने हमारे इन्हीं बर्तनों का शुभारंभ किया है अंगूरी रसमलाई से, और आज मैं उसे आपको इस बर्तनों में सर्व करके प्लेटिंग करके दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इस थाली को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं एक मीठा परोसकर। तो देखिए मेरे साथ कैसे हमने इसे डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने पीतल की सारी कटोरियों में हमारे अंगूरी रसमलाई डाली है, साथ में उसे एक बहुत सुंदर सा लुक देने के लिए केसर के स्टैंड्स और साथ में गुलाब के पत्तों का इस्तेमाल किया है। देखिए अंगूरी रसमलाई बिल्कुल रसगुल्ले जिस तरह से हम बनाते हैं, बनाने के बाद दूध का हम जो दूध को गाढ़ा करके उसके अंदर सारे ही हम मावे मिलाकर, चीनी मिलाकर और लच्छा तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमारे ये बने हुए रसगुल्ले जाते हैं। तो आज देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेटिंग की हुई है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और मैंने इसे एक जूट के कपड़े के ऊपर रखा है, जहाँ पर मैंने थोड़े से गुलाब के पत्ते और एक बहुत सुंदर सा ऑरा देने की कोशिश की है हमारी टी लाइट्स के साथ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ट्राइस लाइट का इस्तेमाल किया है, जो कलरफुल है, जो इस खाने के लुक को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग और वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक